शक्तिमान टीवी शो को जिस तरह से बनाया गया था एक्चुअली में वो हम बच्चों के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट देती थी जिसके लिए हम वेट करते थे। और उस समय की टेक्नोलॉजी और VFX वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी हमें ये सीरियल बेहद पसंद आती थी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान के ओरिजिन के बारे में और इसके बैक स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन का पिटारा। शक्तिमान के ओरिजिन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जब शक्तिमान का पहला एपिसोड आया था तभी हमें उसके सुपर पावर्स मिलने की ओरिजिन दिखा दी गई थी, जहां ये दिखाया गया था कि सालों तक मेडिटेशन करने के बाद शक्तिमान के कैरेक्टर को अपने बॉडी में 5 नेचुरल एलिमेंट यानी कि स्पेस, वाटर, एयर, अर्थ और फायर को काबू करने की सुपर पावर्स मिल गई थी, जिसकी वजह से उसके पास लिटरली गॉड लेवल की पावर्स आ गई थी। और उसने अपने बॉडी में 7 चक्रों को भी यूटिलाइज कर लिया था, लेकिन इसी प्रोसेस के एंड में वो अपने बॉडी को फायर में सेक्रीफाइस भी कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी में उन 5 एलिमेंट्स के सुपर पावर जुड़ जाते हैं। तभी हमें शक्तिमान अपने फुल क्लासिक कॉस्ट्यूम में दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले एपिसोड में इसके सुपर पावर्स मिलने वाले सीन्स को तो दिखाए गए थे, लेकिन हमें इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद शक्तिमान के कैरेक्टर का इतना क्रेज आ गया था जिसके बैक स्टोरी को जाने बिना हमने शक्तिमान को एज ए सुपर हीरो एक्सेप्ट कर लिया था। बट अगर आपको ओरिजिन बताने की बात आती है तो मैं आपको कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको पूरी तरह से इसकी ओरिजिन बताऊंगा। तो इसलिए मैं शुरू से इसके ओरिजिन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये कैरेक्टर गंगाधर शक्तिमान के लिए चुना गया था, बिकॉज नो अदर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन यू, अगर बात आती है आपको कंटेंट देने की तो। खैर, एक्चुअली में शक्तिमान के बायोलॉजिकल फादर और मदर थे मेजर रंजीत सिंह और कौशल्या सिंह, जिनकी डेथ किसी जंगल में हो जाती है शो के मेन विलन किल्विस के वजह से, क्योंकि मेजर रंजीत सिंह किल्विस के अगेंस्ट था, बुराई के अगेंस्ट था, इसलिए उनके लोग उसे मार देते हैं। लेकिन उनके पास एक बच्चा भी होता है जिसे एक हिमालय में रहने वाले फैमिली विद्याधर शास्त्री और उनकी वाइफ अरुणिधि देवी को दिया जाता है। तब से ही शक्तिमान के कैरेक्टर का नाम पंडित विद्याधर मायाधर गंगाधर ओमकार नाथ शास्त्री रख दिया जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक आदमी का नाम है? जोक सपाट। खैर, गंगाधर को बचाने वाले लोग एक्चुअली में सन की पूजा करने वाले 7 गुरुज होते हैं, जिन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है, जो कि शो में उस बच्चे यानी गंगाधर को बचाया था क्योंकि उसे चुना गया था बुराई को मिटाने के लिए। और फिर गंगाधर को ट्रेन किया जाता है उस कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन को करने के लिए, जिसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी योग साधना को कंप्लीट करता है, जिसके बाद क्या होता है उसकी कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है, कैसे उसको सुपर पावर्स मिलती है। इन सब के बाद वो अपने एक अल्टर ईगो को क्रिएट करता है, यानी कि गंगाधर के कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को शक्तिमान का बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर बनाया गया था, जिससे कि उसे कोई पहचान न सके कि वही शक्तिमान है। और वो एक प्रेस में काम करता है जिससे कि उसे शहर की सारी क्राइम के बारे में जानकारी मिलती रहे, और वो उस प्रेस में एज ए फोटोग्राफर अपॉइंट हो जाता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि पूरे शो में इस बंदे ने एक फोटो भी नहीं खींचा है, और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन तारीफ मुकेश खन्ना की करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर को प्ले किया है, आप देखोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि शक्तिमान नहीं है, लेकिन आपको पता रहेगा कि यही शक्तिमान है, बट आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये बंदा शक्तिमान है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हॉलीवुड के सुपरमैन से लिया गया है, खासकर ये रिपोर्टर वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन सुपर पावर्स की बात होती है तो शक्तिमान सुपरमैन से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। आप ही सोचो कि जो बंदा स्पेस, अर्थ, एयर, फायर, वाटर जैसे एलिमेंट को अपने बॉडी से मैनिपुलेट कर सकता है, वो गॉड लेवल के पावर्स को डेफिनेटली होल्ड करता है। इसी तरह से शो आगे बढ़ता है और गंगाधर हमें अलग अलग एपिसोड में शक्तिमान बनकर डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल और अंधेरे के ठेकेदारों से फाइट करता हुआ दिखता है इस शो में, जो कॉन्सेप्ट काफी कमाल का था। और उस समय के 90s के किड्स इस शो के लिए दीवाने थे और वो वेट करते थे इस शो को देखने के लिए, इतना क्रेज था शक्तिमान का 90s के दौर में। रिसेंटली इसी टीवी शो को रीमेक करके एक मूवी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो आपको पता ही होगा, और जिसके अनाउंसमेंट टीजर का ब्रेकडाउन भी मैंने बनाया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थे शक्तिमान के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको अपने अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक।